हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम बना रहे हैं बिस्किट का, ओरियो बिस्किट का केक। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, दो छोटे वाले पैकेट लिए हैं मैंने, दो छोटे वाले। आप चाहे तो बड़े जो साइज़ का, मतलब जितनी क्वान्टिटी में आप बनाना चाहो आप ले सकते हो। इनो लिया है। अगर आप इनो डालना पसंद नहीं करते हो तो आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने इनो लिया है, सिंपल, मुझे उसी का टेस्ट अच्छा लगता है। हाफ कप मिल्क लिया है, वनीला एसन है, और एक टेबल स्पून शुगर लिया है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। छोटे साइज़ के बिस्किट लिए हैं मैंने, देखिए। देखिए, ये है हमारे बिस्किट। मैं कुछ बिस्किट का क्रीम निकालूंगी। कुछ बिस्किट के मैंने क्रीम निकाल लिए हैं। आप चाहे तो क्रीम के साथ में ही ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये 4-5 बिस्किट की क्रीम निकाल के साइड में रख लिए, ठीक है। अब हमें हम इसको पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल के। टुकड़े करेंगे और मिक्सी के जार में डाल के इसे हमें पीस लेना है। आप चाहे तो क्रीम साइड में ना करिए, मैंने करा है क्योंकि मुझे थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है, इसीलिए। देखिए गाइस, मैंने इसका अच्छे से पाउडर कर दिया। अब इसमें मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी चीनी। एक टेबल स्पून चीनी लिया है। इसको एक बार और घुमाऊँगी, आप डायरेक्टली डाल के पी सकते हैं। देखिए, एकदम फाइन पेस्ट बन चुका है गाइस, देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले रखेंगे हम कुकर को प्रीहीट करने के लिए, ठीक है। कुकर का रबर और सीटी हमें नहीं लगाना है, ठीक है, ये नहीं लगाना है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, ठीक है। नमक को अच्छे से फैला लेना है। बीच में अब एक कोई मेरी ऐसी पुरानी वाली प्लेट है, मैं उसको रख रही हूँ। आप चाहे तो वो रिंग रहता है वो, या कुकर में ही आता है को, उसे रख सकते हैं। 10 मिनट तक हम इसे प्रीहीट करेंगे। जब तक कुकर प्रीहीट हमारा हो रहा है, हम केक टिन को तब तक तैयार करेंगे, ठीक है। इसे हमें थोड़ा सा ग्रीस कर देना है। आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा मैदा। मैदा लेंगे और इसे चारों तरफ फैला लेंगे। जो अच्छा है हमें इसे निकाल लेंगे। बनाएंगे हम अपना बैटर। बैटर के लिए वही हमारा जो ये है उसी को लेंगे हम। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क को हमको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ठीक है। मिल्क हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। देखिए, हमें सेमी थिक बैटर तैयार करना है बनाकर। बैटर अभी भी थिक है गाइस, देख सकते हैं आप। तो थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेन। फ्लेवर के लिए अगर आपके पास है तो डालिए, वरना कोई बात नहीं। थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, एक चम्मच डाला है मैंने। देखिए, इतना स्मूथ बैटर बनके हमारा तैयार हो गया है।
देखिए ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी हो। देखिए आप ऐसा बनाया है मेरा बेटा। लास्ट हम डालेंगे इसमें इन, एक ही साइड से मिक्स करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, बिल्कुल नहीं नहीं। देखिए बैटर हमारा एकदम अच्छे से फूल चुका है। अब बिना इंतजार किए हमें जल्दी से इसमें हमारा बैटर ऐड कर देंगे। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, बिल्कुल भी बिना इंतजार किए। इस वक्त हमें बहुत ही संभाल के कुकर में ये रखना है केक, क्योंकि बहुत गर्म हो चुका है ये। 20 मिनट तक हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे और 20 मिनट के बाद में हम देखेंगे इसे। ट्वेंटी मिनट हो चुका है, अब इस वक्त बहुत संभाल के हमें कुकर को ओपन करना है, क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, केक को हमेशा हमें बीच से ही चेक करना है। देखिए एकदम परफेक्ट क्लीन आ रही है हमारी टूथपिक, इसका मतलब हमारा केक हो चुका है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद में हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए अभी बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है। हाँ ठंडा हो चुका है, हमें इसे अभी ऐसे एक प्लेट रखेंगे, इसको कर देंगे बस। देख सकते हो हमारा केक, वाओ कैसा रहा गाइस। देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी बना है गाइस, देख सकते हैं आप, दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए पहले हम इसे थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं। ठीक है, चलिए करेंगे थोड़ी सी गार्निशिंग। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा ऐसे पसंद होता है ना। ये है हर्षी सिरप, चॉकलेट सिरप हमारा। देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत केक बनके तैयार है। चलो मैं इसे आपको कट करके बताती हूँ। देख सकते हो गाइस आप, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।